नाग और नागिन को शिवजी का भक्त कहा जाता है। कहते हैं कि नाग और नागिनों की तपस्या से खुश होकर ही शिवजी उन्हें इच्छाधारी होने का वरदान देते हैं। और ये तो सबको पता है कि शिवजी अपने गले में वासुकी नाग को ही धारण करते हैं। ऐसे ही एक नागिन की कहानी जानते हैं, जिन्हें बाबा भोलेनाथ यानी शिवजी की तपस्या का ऐसा वरदान मिला जिसके कारण वह एक माता की पुत्री बन पाई। लेकिन इससे पहले मैं हूँ दीपिका और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी मेट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रामपुर की पहाड़ियों पर एक पुराना शिव मंदिर था। मंदिर का रास्ता बड़ा ही दुर्गम और निर्जन था। लोग इस मंदिर में आना नहीं चाहते थे। आसपास के लोगों का कहना था कि यह मंदिर इच्छाधारी नाग और नागिनों का बसेरा है। वो नाग नागिनों पर शिवजी की विशेष कृपा है, इसलिए बिना उनकी इच्छा के मंदिर में कोई नहीं आ सकता। नाग नागिनों के बीच एक नागिन बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। उसका नाम था कायरा। नाग नागिनों में एक नियम था कि वे लोग गांव की तरफ नहीं जा सकते थे। चंचल स्वभाव होने के कारण कायरा का मन हमेशा गांव की तरफ ही लगा होता था। उसे इंसान के जीवन से काफी दिलचस्पी थी। इंसान किस तरह से पूजा करते हैं, कैसे एक दूसरे से बातें करते हैं, यह सब देखने और जानने की इच्छा थी उसे। हालांकि कायरा इकलौती ऐसी नागी नहीं थी जिसे इंसानों के बारे में जानना था। उसकी दोस्त विशाखा और लतासा भी इंसानों के बारे में जानना चाहती थी, मगर कायरा जैसी हिम्मत उनमें न थी। सावन का पर्व चल रहा था। यह मौसम नाग नागिनों के लिए भी विशेष होता है। कई नाग इस मौसम में आहार को त्याग कर शिवलिंग से लिपट जाते हैं, जिससे उन्हें शक्ति मिलती है और शिवलिंग से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से उनका संचार होता है। कायरा के माता पिता भी आहार को त्याग कर शिव मंदिर में ही शिवलिंग के सामने समर्पित हो गए थे। कायरा को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। वह अपनी दोस्तों के साथ गांव की तरफ निकल गई। बड़ा ही दुर्गम और निर्जन रास्ता पार करते हुए वे तीनों गांव पहुंचे। अभी वे लोग गांव पहुंचे ही थे कि कायरा की दोस्त विशाखा ट्रैक्टर के नीचे आने से बच गई। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बड़ी तेजी से आ रहे हैं। वे तीनों जल्दी से एक झाड़ी के पीछे छिप गई। वे लोग कांवरिये थे जो कांवर लेकर शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे। कायरा भी शिव मंदिर जाना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि इंसान भोलेनाथ की पूजा कैसे करते हैं। विशाखा और लतासा उसे मना करती है और वे उसे वापस जंगल लौट जाने को कहती है, लेकिन कायरा यहाँ तक आने के बाद पीछे नहीं हटना चाहती थी, इसलिए वह विशाखा और लतासा को उसी झाड़ियों में छिपकर उसका इंतजार करने को कहकर झाड़ियों से निकल जाती है और एक ठेले गाड़ी से लटक जाती है। वह ठेला गाड़ी केले के फल से लदा हुआ था। संयोग से कुछ देर में वह केले से लदी ठेला गाड़ी मंदिर के सामने ही रुकती है, जहां सभी लोग पूजा करने जा रहे थे। तभी गाड़ी से निकलते हुए कायरा को किसी इंसान ने देख लिया और एक नागिन को देखते ही इंसानों की पंक्ति में भगदड़ मच गई। अपने सामने इंसानों को इस तरह देखकर कायरा भी घबरा गई और उसने अपनी रक्षा के लिए अपना फन खोल दिया। कुछ लोग उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन एक औरत ने आगे आकर उसकी जान बचाई और शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए जो दूध उसने लाया था वह उसने कायरा को दिया। कायरा को भूख और प्यास दोनों लग गई थी। उसने अपने उतावलेपन में भूख और प्यास पर ध्यान ही नहीं दिया था। दूध मिलते ही उसने तुरंत दूध को पीकर उसे खत्म कर दिया और फिर फन फैलाकर बैठ गई। उस औरत ने कायरा के सामने हाथ जोड़े और उससे संतान प्राप्ति का सुख मांगा। कायरा वहां से चली गई और झाड़ियों में छिपे अपने दोस्तों के साथ वापस अपने घर आ गई, जहां उसके माता पिता शिवलिंग के सामने खुद को समर्पित कर चुके थे। कायरा भी आहार त्याग कर शिवलिंग की पूजा करने लगती है। उसका समर्पण व निस्वार्थ भाव देखकर शिवजी प्रसन्न होते हैं और उसे दर्शन देते हैं। कायरा उस औरत की निसंतान होने की बात बताती है। भगवान शिव उसे कहते हैं कि उस औरत ने उसे दूध पिलाया और उसकी रक्षा की, अतः अगले जन्म में उसे उस औरत का कर्ज चुकाने उसकी पुत्री के रूप में जन्म मिलेगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। कायरा खुद को शिवलिंग के सामने पूर्ण रूप से समर्पित कर देती है और कुछ ही दिनों में उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं।
और वह औरत गर्भवती हो जाती है। तो दोस्तों जल्दी से एक लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। सावन के इस पर्व में भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।